Welcome to the world of robots. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज रसूल। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोबोटिक्स। बहुत सारी कंट्रीज में स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूलों में करिकुलम का पार्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वही ट्रेडिशनल करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम कुछ बुनियादी सर्किट्स और सेंसर्स इस्तेमाल करके रोबोट बना सकते हैं। इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको रोबोट्स के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोबोट है क्या। रोबोट एक्चुअली चेक वर्ड रोबोटा से निकला है, जिसका मतलब है फोर्स्ड आर स्लेव लेबरर। रोबोट एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है जो अपने सराउंडिंग से इनपुट लेती है और उसको प्रोसेस करके एक्शंस परफॉर्म करती है। रोबोट एक इंसान की शक्ल का भी हो सकता है या किसी मशीन की शक्ल का भी हो सकता है। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक साइंस और इंजीनियरिंग पर मुश्तमिल एक ब्रांच है जिसमें हम रोबोट की डेवलपमेंट, उसके ऑपरेशन और उसके कंट्रोल को पढ़ते हैं। रोबोटिक्स में हम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी असूल स्टडी करते हैं। हम देखेंगे कि रोबोटिक्स के एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं। आजकल ऑटोमोबाइल कंपनीज में बहुत ज्यादा रोबोट्स यूज हो रहे हैं, स्पेस साइंस में रोबोट्स यूज हो रहे हैं, मेडिकल साइंस में रोबोट्स यूज हो रहे हैं। डॉक्टर्स रोबोट की मदद से पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। माइंस को एक्सप्लोर करने के लिए और वोल्केनोस को स्टडी करने के लिए रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फायर फाइटिंग के लिए रोबोट्स यूज हो रहे हैं और ऑटोनमस व्हीकल्स मार्केट में आ गई हैं, जो रोबोट की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। मिलिट्री एरियाज में रोबोट्स यूज हो रहे हैं। अब हम रोबोटिक्स के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। 1942 में आइज़क एसिमोव ने रोबोटिक्स के 3 लॉज इंट्रोड्यूस कराए। फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोटिक्स ये कहता है कि रोबोट ह्यूमन बीइंग को, इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोबोटिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि रोबोट इंसान की तमाम कमांड्स, तमाम अहकामात को मानेगा, सवाय उसके जहां पर वो पहले लॉ के साथ कंफ्लिक्ट हो। और रोबोटिक्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि रोबोट अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद की हिफाजत करेगा, सवाय उसके जहां पर वो अपने पहले लॉ से या दूसरे लॉ से कंफ्लिक्ट हो। अब हम रोबोट के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक रोबोट के 4 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई रोबोट के लिए एनर्जी का काम करता है और इसके लिए हम बैटरीज इस्तेमाल करते हैं। एक्चुएटर्स रोबोट के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मूवमेंट में। एक्चुअली एक्चुएटर्स आर द मोटर्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। थर्ड कंपोनेंट इज द सेंसर। सेंसर को इस्तेमाल करके रोबोट अपनी सराउंडिंग से इनपुट लेता है, जिस इनपुट की बुनियाद पर रोबोट अपने एक्शंस परफॉर्म करता है। फोर्थ पार्ट इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह है, जो कि रोबोट के सेंसर्स की मदद से अपनी सराउंडिंग से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके और जो रोबोट के साथ एक्चुएटर्स लगे हुए हैं उनको कमांड्स देता है। तो ये चारों कंपोनेंट मिलकर एक मुकम्मल रोबोट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको रोबोट्स और रोबोटिक्स की कुछ बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में हम बाकायदा
अपना रोबोट बनाना स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।